हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये जो हमारा डी है ये मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई बाय कॉटेक्स। ठीक है, तो हमें कॉट वाई बाय कॉटेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार मैं ये एक्स वाला और वाई वाला ट्राइंगल अलग अलग बना देता हूं। ठीक है, ये एक्स डिग्री के लिए ट्राइंगल मैंने बनाया। ठीक है, डी सी ए। ठीक है, तो हम पहले हमें क्या निकालना है? कॉट वाई और कॉटेक्स, कॉट वाई बाय कॉटेक्स निकालना है। तो हमें कॉटेक्स और कॉट वाई दोनों की नीड पड़ेगी, तो पहले कॉटेक्स निकाल लेता हूं। ठीक है, तो कॉटेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस एंगल एक्स के लिए बेस क्या है? ये एसी, और परपेंडिकुलर क्या है? ये सीडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला? एसी अपॉन सीडी, कॉटेक्स इक्वल टू एसी अपॉन सीडी। अब ये वाई डिग्री के लिए बनाता हूं ट्राइंगल, वाई ये बन गया सी, ये बी और ये ए। ठीक है, इस एंगल वाई के लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगा? ये बीसी, और बेस क्या होगा? ये एसी। तो कॉट वाई क्या बन जाएगा? कॉट वाई इक्वल्स टू एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। अब मुझे क्या निकालना है? कॉट वाई बाय कॉटेक्स निकालना है। ठीक है, कॉट वाई बाय कॉटेक्स, कॉट वाई की वैल्यू क्या है? एसी बाय बीसी, तो एसी बाय बीसी अपॉन कॉटेक्स की वैल्यू क्या है? एसी अपॉन सीडी, तो एसी अपॉन सीडी इक्वल्स टू। अब क्या करूंगा मैं, ये जो पूरी टर्म है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, एसी बाय बीसी इंटू सीडी बाय एसी। एसी से एसी तो कट गया, अब क्या बचा? सीडी अपॉन बीसी, सीडी अपॉन बीसी। अब देखो सीडी क्या पे है? सीडी ये नहीं, और बीसी कितनी है? ये पूरी। ठीक है, सीडी ये है और बीसी पूरी है। तो देखो, अगर मान लो ये मेरी है एम, तो ये भी एम है क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट है भाई। अगर ये साइड मेरी एम है तो ये भी क्या है? एम, क्योंकि ये डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो सीडी क्या होगी? सीडी की वैल्यू तो हो गई एम, सीडी की वैल्यू हो गई एम, और बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी की वैल्यू हो जाएगी 2m, m प्लस m। तो m से m अगर कट गया तो क्या आ गया मेरी वैल्यू? 1/2। तो cot y by cot x क्या आ रहा है? 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो ऑप्शन नंबर बी। यहां से स्टेप समझ में आई? यहां से देखो भाई, अगर इसकी वैल्यू मान लो m है तो ये भी कितनी होगी? m होगी, क्योंकि d क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो bc क्या हो जाएगी? टोटल 2m, और cd क्या है मेरी? m। तो m by 2m क्या हो गया? 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।